नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। जहां लखनऊ में मुहर्रम पर आज शनिवार को राजधानी लखनऊ में शहर के कई हिस्सों में जुलूस निकाला गया और आजादारों ने ताजिया निकाली और इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। हालांकि इसके लिए शहर भर में पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और जगह जगह जुलूस की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किए। इसी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मौजूद थे, क्या कुछ उन्होंने देखा आइए आपको सुनाते हैं। राजधानी लखनऊ में मुहर्रम का त्यौहार मनाया जा रहा है, जगह जगह बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं पुलिस ने मुस्तैद के लिए। तस्वीरों में आप सामने देख सकते हैं, तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं झंडों के साथ ताजियों के साथ बड़े बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं और सबीले भी लगी हुई हैं। कहीं शरबत बांटा जा रहा है और कहीं कुछ बांटा जा रहा है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी ताजियाँ निकाली जा रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सामने पुलिस भी जगह जगह पर मुस्तैद की गई है। लगातार डायवर्जन रोडों पर डायवर्जन किए गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि इस साल जो मुहर्रम का त्यौहार है इसको पुलिस ने सफलता कुशल संपन्न कराया है। तस्वीर में साफ तौर पर आप ये देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी ताजियों के साथ जुलूस निकाला जा रहा है। ट्रैफिक में भी डायवर्जन। राजधानी लखनऊ से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए नदीम खान। वही अगली खबर अमेठी से आ रही है, जहां उमस भरी गर्मी में भनौली गांव में आज शनिवार को बहुत ही गमगीन माहौल में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। वही 10 मुहर्रम यानी आशुरा के दिन इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों की याद में ताबूत निकाला गया। वही आजादारों ने इमाम हुसैन का ताबूत उठाया और मातम करते हुए जुलूस निकाला। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां तांत्रिक क्रियाओं के नाम से लोगों से ठगी करने वाले ठगों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र से प्रकाश में आया है, जिसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तांत्रिक क्रिया कर लोगों से ठगी करने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। वही अगली खबर पीलीभीत से है, जहां हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक पूरा का पूरा गांव बना है। आपसी भाईचारे की वजह से लोग गांव की खूब तारीफ कर रहे हैं। दरअसल खूब धूमधाम के साथ मुहर्रम का पर्व मनाया जा रहा है। ग्राम प्रधान सहित ग्रामीणों ने भी ताजिया का फूल मालाओं से स्वागत किया है। प्रधान जानना चाहेंगे, आज मुहर्रम का त्यौहार है, हिंदू मुस्लिम एकता का यहाँ पे मिसाल दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप खुद यहाँ पे मौजूद हैं, देख रहे हैं किस तरह से हम आपस में इस त्यौहार को मना रहे हैं और हमने भव्य स्वागत का इंतजाम किया हुआ है। हिंदू मुस्लिम एकता का हमारा गांव पूरे पीलीभीत जिला में एक तरह से मिसाल है। जी जी बेशक सर, जी सर, जितना हम भाईचारे से रहते हैं इतना हमने कहीं नहीं देखा। जैसे हम अपनी कांवड़ यात्रा में इंतजाम करते हैं तो ये लोग हमारा स्वागत करते हैं, हम इनका सहयोग इनकी मदद करते हैं पूरी तरह से। वही अगली खबर हापुड़ से है, जहां हाफिजपुर थाना क्षेत्र के गांव अकड़ौली में मई 2021 में अपहरण के बाद 8 वर्षीय लड़के के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश द्वितीय कोर्ट ने मात्र 2 वर्ष 2 माह में सुनवाई पूरी कर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नाम एडवोकेट खुर्रम सलीम है। कल एसटी नंबर 40/2020 में ऑनरेबल सेशंस जज का जजमेंट आया है, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ है, क्योंकि ये विचारण 3 अभियुक्तों के खिलाफ चल रहा था, जिसमें से 2 अभियुक्त जो है वो मेजर थे, 1 माइनर था, जिसका माइनर का जो विचारण है वो जेजे बोर्ड में चल रहा है और 2 अभियुक्तों के खिलाफ कल फाइनल जजमेंट आया है और 2 अभियुक्तों को 35,000 रुपए जुर्माना और आजीवन कारावास हुआ है। वही अगली खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां परिवार के चाचा ने ही अपने भतीजे के साथ लाखों की जमीन को लेकर धोखाधड़ी करते हुए एक बिस्वा भूमि खरीद कर पूरी 16 बिघा भूमि अपने नाम करवा ली। जानकारी होने पर पीड़ित किसान ने थाने पहुंचकर लिखित शिकायत देते हुए कार्रवाई की मांग की है।
थाने में दबंग चाचा के प्रभाव से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित किसान ने एसपी की चौखट पहुंच गया और न्याय की गुहार लगाने लगा। वही अगली खबर मैनपुरी से है, जहां छात्र की बेरहमी से मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में पीड़ित छात्र के अचेत होने तक डंडों और बेल्ट से पीटते रहे दबंग छात्र, जिसके बाद गंभीर हालत में पीड़ित छात्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही पुलिस ने 4 आरोपी के खिलाफ दर्ज की FIR। कल शाम को पुलिस संज्ञान में आया कि चादेश्वर रोड पे, जहाँ पे कई कोचिंग सेंटर हैं और कई बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, उस रोड पे अनुभव राठौर और अपने साथी अचित राठौर चौहान सर जा रहे थे, तभी अज्ञात युवकों ने उसमें हमला बोल दिया। पुलिस द्वारा CCTV फुटेज की छानबीन की गई तो उसमें कुछ संदिग्ध लोग मिले और उनके खिलाफ FIR दी गई है। वही अगली खबर सितारगंज से है, जहां पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हसन हुसैन की याद में मुस्लिम समाज के लोगों ने सितारगंज क्षेत्र के आसपास के गांव के लोगों ने बड़ी हकीदत और गमगीन माहौल के साथ मुहर्रम निकाले। साथ ही मुहर्रम निकालने के दौरान पूरे शहर में हसन हुसैन की सदाएं गूंजती रही। आज की नहीं, ये पुरानी बुजुर्गों से परंपरा चली आ रही है कि जो हुसैन पाक ने अपने और अपने बच्चों को जो अल्लाह की राह में कुर्बान किया हक व सदाकत के लिए, ये कोई लड़ाई किसी और की को हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई या कोई इस तरह की नहीं थी, बल्कि ये आपसी एक जंग थी हक व बातिल की। तो हुसैन पाक ने अपने और अपने बच्चों को कुर्बान किया हक के खातिर, यानी यजीद चाहता था कि बातिल का परचम, हुसैन चाहते थे कि हक का परचम लड़ाए। वही अगली खबर कासगंज से है, जहां मुहर्रम पर्व पर आज कासगंज जनपद में हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में गमगीन माहौल में मातमी धुनों के साथ ताजिया जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने मातम मनाया और इमाम हुसैन की शहादत का मकसद बयां किया। इस मौके पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए। वही अगली खबर चंपावत से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत की सोशल मीडिया पर सीमांत चुका सीमा क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से कुछ युवक ट्रक के टायर की ट्यूब के सहारे जान जोखिम में डालकर ग्रामीणों को लदिया नदी पार करा रहे हैं। प्रभारी जिलाधिकारी ने गठित समिति को त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हुए जांच रिपोर्ट 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अगली खबर दिल्ली से है, जहां देश भर की महिलाओं को सशक्त बनाने और उनका समर्थन करने के लिए समर्पित एक प्रमुख संगठन स्टार्ट किया गया, जहां ईयर टू ईयर 18 राज्यों की 5000 से अधिक महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए अपनी बहुप्रतीक्षित वार्षिक बैठक की मेजबानी की गई। ये कार्यक्रम 26 जुलाई को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में हुआ और ये एक शानदार सफलता रही। वही अगली खबर जनपद मुजफ्फरनगर से है, जहां मुहर्रम की 10 तारीख पर नगर में विशाल मातमी जुलूस निकाला गया। मातमी जुलूस किदवई नगर स्थित इमाम बरगाह से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ आर्य समाज रोड स्थित सादात हॉस्पिटल पर पहुंचा, जहां पर शिया सोगवारों द्वारा ताजिया को दफनाया गया। वही अगली खबर मंगलौर से है, जहां क्षेत्र के आसपास शिया समुदाय के लोग मातमी जुलूस निकालकर मुहर्रम निकल गए। वही मुहर्रम के मातमी जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। सुरक्षा के लिहाज से मंगलौर लढौरा जैनपुर क्षेत्र में पुलिस बल पूरी तरह से चाक चौबंद पर है। CEO मंगलौर बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि क्षेत्र में शांतिपूर्वक तरीके से मुहर्रम का मातमी जुलूस निकाला जा रहा है।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।